वणक्कम दो नारियल पानी टू टू नारियल पानी वाटर ओनली वाटर हां नारियल वाटर वेरी वाटर या ओनली वाटर स्वीट होना स्वीट ओनली मधुमलाई टाइगर रिजर्व Stop you asking why You started out to face it My heart went off like crazy You press your arms अभी क्या थोड़ी देर बाद वापस से बंदीपुर टाइगर रिजर्व स्टार्ट होगा और बीच में मधुमलाई टाइगर रिजर्व आएगा. मतलब ये दोनों थोड़े पास पास में ही है इसलिए कौन कब कहाँ आता है वो पता नहीं चलता है ज्यादा. और ये क्या दोनों ये तीन स्टेट की बॉर्डर को टच करते हैं जैसे केरला कर्नाटका तमिलनाडु ये तीन स्टेट की बॉर्डर को टच करते हैं. तो आप कब कहां से निकलोगे कहां पे घुसोगे आप कभी तमिलनाडु में जाओगे कभी केरला में जाओगे कभी कर्नाटक में जाओगे तो आपको पता चलने वाला है नहीं ठीक है ना. लेकिन रोड्स और जो ग्रीनरी बनी हुई है वो तो एक जैसी है वो तो एकदम अमेजिंग है बहुत ही जबरदस्त है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट फीड एनिमल कुछ खाना नहीं खिलाए अल्कोहल नॉट अलाउड डोंट स्टॉप व्हीकल डोंट ओवरटेक डोंट टीज एनिमल डोंट डू नॉट स्मोक डोंट होर डोंट लिटर. ₹20 हम वापस से बंदीपुर टाइगर रिजर्व में घुसे हैं. लेकिन क्या है कि वो अलग रास्ता है वो अलग रास्ता है ये अलग रास्ता है ये मधुमलाई को भी जाएगा ठीक है ना. तो डबल मजे लिए हमने मतलब दोनों तरफ से घुसे हैं यहाँ पर. तो अब देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है. यहाँ पे भी ₹20 पे किए उधर भी ₹20 पे किए थे. आदमी भी मेरे को सेम लगा जो टिकट कलेक्ट करने वाला था ठीक है वो आदमी भी सेम लगा. कहीं ऐसा तो नहीं जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस घुसे. ठीक है अब देखते हैं मजा आने वाला है. और ये बैकग्राउंड म्यूजिक पे मत जाइए. एलिफेंट जोन डोंट स्टॉप वी शैल नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक बाय एलिफेंट ऐसा लिखा है ना. मैंने पहले ही बोला था कि एलिफेंट आने पे रुके नहीं एलिफेंट जहां पे होंगे वहां पे रुके नहीं बिल्कुल ना रुके समझ गए एलिफेंट जोन है ये. तो यहाँ पे एलिफेंट आपको कभी भी दिख सकते हैं. अभी ये वापस तमिलनाडु स्टार्ट हुआ है. अभी कर्नाटका चल रहा था. अभी मधुमलाई टाइगर रिजर्व वेलकम्स टू यू ऐसा आ रहा है. के कर्वी रोड स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर कहते हैं कि 36 हेयरपिन बेंड्स है और अभी जहाँ हम हैं वहां से ऊटी लगभग 45 किलोमीटर दूर है और 15:23 यानी 3:30 के करीब पहुंचेंगे. लेकिन अगर कहीं हुआ तो हम थोड़े रुकने वाले हैं रास्ते में. आगे आप देखिए पहाड़ कैसा दिख रहा है बहुत ही अमेजिंग दिख रहा होगा जो माउंटेन है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है. और दूसरी मैं चीज क्या बोल रहा हूँ कि अभी क्या लंच वगैरह तो हमारा हो गया है क्योंकि रास्ते में अभी थोड़ी 10-15-20 मिनट पहले की बात है हमने क्या है कि ऊटी में नाश्ता किया सॉरी कोई मान लो सिटी थी मतलब नाम तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन उडीपी रेस्टोरेंट था तो प्योर वेजिटेरियन था. वहाँ पे लंच वगैरह ले लिया और फिर अभी सीधा जाते हैं ऊटी अपने होटल में चेक इन करते हैं. इसके बाद में देखते हैं कि क्या हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई पिक पॉइंट होंगे या होटल पे जाए बिना भी पिक पॉइंट पे जा सकते हैं. तो देखते हैं वहां पे जाने के बाद में तय करते क्या करना है. ऊटी भी एक टी स्टेट है और यहाँ पे बड़े बड़े चाय के बागान है जिसे हम रास्ते में देख पा रहे हैं. लेकिन क्या है कि गाड़ी खड़ी नहीं रख पा रहे. अभी सामने एक टी फॉर्म आएगा आपको दिख रहा होगा ये टी है
और आगे बहुत सारी चीजें मिलेगी, और हो सकेगा तो हम ड्रोन शॉट्स भी लेंगे, तो बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। पहले गाड़ी मैंने वहाँ पे पार्क की थी, लेकिन वहाँ पे मेरे को ठीक लगा नहीं, क्योंकि बहुत कर्वी रोड है, कभी भी गाड़ी मतलब हर बार ऐसे लगता है कोई गाड़ी टच करके आपकी गाड़ी को चली जाएगी। ठीक है, तो आप ये नज़ारे देखिए, नज़ारे कितने ज़बरदस्त है, कितने अमेजिंग। ये पूरे मतलब चाय के बागान है, चाय की खेती की यहाँ पर, ठीक है ना। और ये ऊटी टी स्टेट है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और आगे भी बहुत सारे टी स्टेट मिलने वाले अपने को। बाकी ये नज़ारे आप देखिए एकदम ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग। अब यहाँ पे क्या है, ड्रोन शॉट्स लेने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अपना ड्रोन तो आपको पता है थोड़ा उसकी हालत ख़राब है। अब देखते हैं यहाँ पे ले पाते कि नहीं ले पाते। बाकी आप नज़ारे तो एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, खासकर ये सामने वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। टी फॉर्म देखिए, बहुत ही जबरदस्त, कितना अमेजिंग नजारा है, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग नजारा है, एकदम माइंड ब्लोइंग, बहुत ही क्लासिक, शब्द ही नहीं इस नज़ारे के बारे में, तो बहुत ही ज़बरदस्त। सामने कैसा दिख रहा है वो देखिए, सामने ज़बरदस्त दिख रहा है, एकदम अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत है। ये थोड़ी सी दूर चले होंगे और फिर से गाड़ी को पार्क किया है, क्योंकि नजारे तो खत्म ही नहीं हो रहे, बहुत ही जबरदस्त नजारे यहां से देखिए, कितना अमेजिंग व्यू है, बहुत ही उम्दा, मतलब यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहे नजारे, खत्म ही नहीं हो रहे। ये देखिए कितना क्लासिक व्यू, कितना क्लासिक व्यू, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम ठंडक हो गई है। मैंने तो एसी वेसी सब बंद कर दिया, लगभग टेम्परेचर यहाँ का अभी 16-15 डिग्रीज है। बाकी जबरदस्त दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त। पीछे देखिए आप, पीछे कितने अमेजिंग नज़ारे, पीछे कितने, मतलब नीचे देखोगे तो आपको टी फॉर्म्स दिखेंगे, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मजा आ गया। हाँ एकदम, सबसे अभी जितने अभी प्लेसेस पे घुमाऊँ सबसे बढ़िया यही मेरे को लगा अभी तक, बाकी तो और भी नज़ारे मिलने वाले हैं, बाकी ये एकदम क्लासिक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। अपना होटल आ जाने वाला है, और सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पे ठंड का माहौल है, हम इसके लिए पहले से प्रिपेयर बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वैसे भी हमारे उधर गर्मी पड़ती है, हमको ऐसा लगता है हर जगह थोड़ी बहुत गर्मी होगी, और साउथ में तो क्या गर्मी रहती ज्यादातर, तो इसके बारे में थोड़ा पता नहीं था। यहाँ पे तो क्या सबने स्वेटर जैकेट वगैरह लगा के रखे, अपने पास में कुछ भी नहीं है, समझ गए, कुछ भी नहीं है, तब क्या करें बोलो, दुबक कर कमरे में पड़े रहेंगे होटल के कमरे में, बराबर ना।
बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे तो ठंड है, टेम्परेचर भी बहुत लो पर है, टेम्परेचर यहाँ पे 17 डिग्री है, गाड़ी बता रही है 17 डिग्री, बाकी कितना ओरिजिनल तो वो तो अभी मैंने देखा नहीं है गूगल पे, बाकी 17 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैनेज कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी अपने होटल आती होगी, थोड़ी देर में होटल आ जाएगी, और बाकी जो यहाँ के बाकी जो व्यू पॉइंट है वो कल हम कवर करने वाले हैं, जो भी 2-3 घंटे में कवर हो जाए वो सब चीज़ें कवर कर लेंगे। इसके बाद चलेंगे सीधा आदि योगी, भगवान शिव शंकर का जो स्टैच्यू वहाँ पर, और फिर वहाँ से देखेंगे कहाँ पे जाना है। ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अनप्लैंड है सब। ठीक है, तो अभी सीधा मिलते हैं अपने होटल पर। कहाँ 5:30 की बात कर रहे थे और कहाँ बज गए अभी 7, तो अभी पहुंचे हम होटल, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, कछुओं की चाल से चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, और गाड़ी सभी फंसी पड़ी थी, मतलब निकल ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और आज का रूम हमारा देख लीजिए कैसा है, ठीक ठाक है। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अभी तक जितने भी हमने होटल बुक किए हैं, कॉटेज बुक किए, जो भी किए हैं, तो सबसे महंगे से महंगा और सबसे छोटे से छोटा यही रूम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत, अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब रश है यहाँ पे, तो इसलिए इसकी वजह से ये क्या है कि यहाँ पे सभी होटल फुल है, सभी होटल फुल है, और 1200-1500 वाली जो होटल थी वो बराबर है नहीं, इसलिए मैंने ये कॉटेज बुक किया। बहुत ठीक ठाक है, बढ़िया है, और अपने को तो एक ही रात यहाँ पे बितानी है। ठीक है, कल तो हम जाने वाले दूसरी जगह पे, वो तो आपको पता है कहाँ पे जाने वाले। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम, डॉट टेक केयर।